अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गजाला किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी मटन। ये बहुत मज़े का लगता है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने मटन के लिए चार अरबी ली है, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। और इसको मैं फ्राई करूँगी ऑयल में, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करी हुई अरबी और ही अच्छी लगती है। ये मैंने एक बर्तन में ऑयल लिया है, अब मैं अरबी फ्राई करूँगी। मैंने अरबी को अच्छे से धो लिया था और इसके सारे छिलके उतार लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने अरबी में कट लगा लिया है चाकू की सहायता से, ताकि अंदर तक फ्राई हो जाए। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं अरबी ऐड कर दूंगी इसमें। ये देखिए, हमें अरबी हल्के से फ्राई करनी है, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। मेरी अरबी फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको बाहर निकाल दूँगी। ये देखिए, हमारी अरबी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, जिस ऑयल में मैंने अरबी फ्राई की थी उसमें ही मटन पकाऊंगी। ये मैंने साबुत गरम मसाला ऐड किया है, हम प्याज ऐड कर देंगे। दो मीडियम साइज प्याज लिए हैं मैंने। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसमें मटन ऐड करूंगी। मैंने इसमें मटन ऐड कर दिया है, एक मिनट तक मटन को फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी 2 चम्मच। अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से भून गया है, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अब स्वाद अनुसार। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करके मसालों को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, मैं मसालों को अच्छे से भूनूंगी। अरबी का मटन बहुत लाजवाब बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ये मेरा मसाला अच्छे से भून गया है, अब मैं इसमें अरबी ऐड कर दूंगी। अरबी ऐड कर दी। मैं ये पालक लिया है, हम दही ऐड नहीं करेंगे, पालक ऐड करेंगे। पालक अरबी पालक दोनों ऐड कर दिया है, अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि पालक भी पानी छोड़ता है। फिर हम मसाला भूनेंगे अच्छे से। मसाला भून रहा है, अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। ये देखिए, मेरे मटन का कलर चेंज हो गया है, एकदम डार्क हो गया है। मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 1 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको हिला के ढक्कन ढक के 4 सीटी आने तक पकाएंगे। ये देखिए, मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया है, हमारा मटन रेडी है। मटन रेडी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है।